स्टूडेंट इन दिस लेक्चर वील बी स्टडिंग समथिंग अबाउट फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर के फंक्शन समझने के लिए सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि हमारी जो मशीन्स हैं डीसी मशीन वो या तो मोटर होंगी या जनरेटर होंगी, राइट। दे कैन एक्ट बोथ एज मोटर एंड जनरेटर। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर का ले लेता हूँ फॉर मोटर। सपोज जब मशीन मोटरिंग कर रही होगी, मोटर का एक्शन होगा, ठीक है। सो मोटर के लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हूँ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप इस तरह से देख सकते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि आपका ये अगर फील्ड इस डायरेक्शन में है और अगर आपका करंट इस डायरेक्शन में है तो आपकी जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगी, राइट। ये सेम डायग्राम आप देख सकते हैं। तो फील्ड ऐसे को एक्ट हो रही है, करंट ऐसे को एक्ट हो रहा है, और तो फोर्स जो है वो ऊपर को लगेगी, यहाँ मेरा अंगूठा है। ये चीज़ अगर मैं यहाँ मोटर बना के मैंने आपको दिखाया हुआ, तो यहाँ देखिए ये दो ब्रश हैं, ये दो कम्यूटेटर के सेगमेंट्स हैं, और यहाँ से सप्लाई मैं दे रहा हूँ। तो नाउ इट इज़ एक्टिंग एज अ मोटर। करंट यहाँ से जा रहा है, सो बी से ए में करंट जा रहा है और डी से सी में करंट जा रहा है कॉइल में, राइट। सो सेम ये वाली कॉइल में तो आप देखें ये सेम चीज़ है, यहाँ फील्ड ऐसे को है, ठीक है, लेकिन करंट मेरा जो है वो ऊपर को जा रहा है, ठीक है। सो सॉरी, अगर करंट मेरा ऊपर को जा रहा है, सो दिस फोर्स विल बी, थोड़ा सा मैंने गलत बना दी, फील्ड आपकी गलत बनाई थी मैंने। सो यहाँ पे आई कैन से, सो ये मेरी फील्ड ऐसे को है, ये मेरा करंट ऐसे को जा रहा है, दैट मीन्स अब मेरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऐसे को लग रहा है, ठीक है। सो फ्लेमिंग लेफ्ट ऐसे को लग रहा है मीन्स ये मेरी फील्ड है, ये मेरा करंट है, ये करंट मेरा ऐसे को जा रहा है, तो मेरी इसकी जो फोर्स लगेगी वो नीचे के डायरेक्शन को लगेगी, ये कॉइल मेरी नीचे को तरफ को जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो फील्ड मेरी ऐसे को है, राइट, फील्ड ऐसे को है, करंट मेरा ऐसे को है, अब यहाँ जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी, तो इस कॉइल में मेरी फोर्स ऊपर को लग रही है और इस कॉइल में मेरी फोर्स नीचे को लग रही है, राइट। सो जब मेरा करंट बी से ए जा रहा है तो मेरी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, दैट मीन्स ये कॉइल ऐसे घूम रही है, ऐसे कॉइल की, ठीक है। तो डी सी यहाँ पहुँच जाएगा और ए भी परे को पहुँच जाएगा, ठीक है। एक जब एक राउंड मारेगा तो यहाँ पहुँच गया। अब नाउ हेयर कम्स द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर। अब ये कम्यूटेटर क्या करेगा, ये कम्यूटेटर जो है, अब ये मान लेते हैं ये एक्स वन था और ये एक्स टू था, राइट। सो नाउ जब कॉइल यहाँ जाएगी एक्स टू और एक्स वन यहाँ पहुँच जाएगा, सो ये कम्यूटेटर जो अब आ रहा है, जब सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, जब ये कॉइल इधर को चली जाएगी, राइट, ऐसे को मूव की ना इसने, सो ए बी था, ये सी डी था, तो ये डी, ये सी, ये ए, ये बी। अब क्या हो रहा है कि अगर ये कम्यूटेटर फिक्स होते यहाँ से करंट ऐसे को जा रहा, तो अब करंट सी से डी की तरफ जा रहा है, अगेन ये इसको नीचे को एक्ट होना चाहिए, राइट। तो करंट इस डायरेक्शन में, इस कॉइल में करंट, पहले करंट क्या कहाँ था, बी से सी की तरफ, अब सी से डी की तरफ, ना देर इज अ करंट रिवर्सल। आप यहाँ देखें करंट उल्टा हो गया ना, अब तो करंट अब उल्टा हो गया है, तो करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो अब मेरी फोर्स अगेन वैसी एक्ट होगी जैसे पहले एक्ट हो रही थी। तो बेसिकली कम्यूटेटरों ने किया क्या, कम्यूटेटरों ने क्या किया कि आपकी जो कॉइल है वो एक ही डायरेक्शन में घूमती रहे, ऐसे फिर नीचे को जाए, ठीक है। अगर ये करंट रिवर्स नहीं होता, जैसे इस कॉइल में अगर करंट सेम रह जाता, तो इसमें क्या होना था, करंट अब जैसे करंट इधर को जा रहा था, पहले करंट इधर को आ रहा था, अब इसमें करंट नीचे को होता तो इसमें फोर्स नीचे को लगनी, ऊपर को लगनी थी, तो अब क्या हो रहा था, पहले फोर्स नीचे को लगी फिर ऊपर को लगी, तो नेचुरली फिर कॉइल ने ऐसे ऐसे करते रहना था, तो आपको यूनिडायरेक्शनल जो है टॉर्क नहीं मिलना था, एक ही डायरेक्शन में आपको टॉर्क नहीं मिलना था। तो आपके कम्यूटेटर ने क्या किया, कम्यूटेटर यहाँ शिफ्ट हो गया, ये कम्यूटेटर यहाँ शिफ्ट हो गया, तो करंट जो है वो डीसी में इसी डायरेक्शन में आ गया और एबी में इस डायरेक्शन में आ गया। क्लियर हो रहा है आपको, पिछले डायग्राम जब आप देखें तो मेरा जो डीसी था करंट था, डी से सी की तरफ करंट आ रहा था, अब सी से डी की तरफ करंट जा रहा है, उल्टा हो गया ना करंट, और ये करंट रिवर्स फिक्स ने किया इन कम्यूटेटरों ने, ये कम्यूटेटर यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये कम्यूटेटर यहाँ से यहाँ पहुँचा, राइट। जैसे मैंने बताया कि अगर ये एक्स वन था और ये एक्स टू था, तो दूसरे केस में ये एक्स वन हो गया है और ये एक्स टू हो गया है, राइट। सो मोटर के केस में क्या कर रहा है, कम्यूटेटर आर प्रोवाइडिंग यूनिडायरेक्शनल टॉर्क, ठीक है। तो ये तो आ गया मेरे कम्यूटेटर में, जो मोटर में मेरा क्या काम करता है। अब मान लेते हैं जनरेटर,
जनरेटर में क्या है, अगेन वही डायग्राम बनेगा आपका, नॉर्थ साउथ, यही आपकी कॉइल आएगी इस तरह से, राइट। और यहाँ पर अगेन आपका इस तरह से कम्यूटेटर आएंगे, राइट। सो अगेन ऐसे और ये ऐसे, और ये ब्रश, अब ये ब्रश, ठीक है जी। सो ये ब्रश एक्स वन, ये ब्रश एक्स टू। अब इसमें क्या हो रहा है, जनरेटर में क्या हो रहा है, जनरेटर में आप जो है इस कॉइल को मूवमेंट दे रहे हैं, यू आर मूविंग दिस कॉइल। अब जब इस कॉइल को मूव कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि फैराडे लॉ के अकॉर्डिंगली डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता है, ठीक है। हमने बी एल वी पढ़ा था, बी एल वी साइन थीटा, राइट। तो बी यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी थी, यहाँ एल लेंथ ऑफ द कनेक्टर, और वी जो थी वो वेलोसिटी थी, और साइन थीटा था आपका जिस एंगल पे ये कट करेगा, राइट। सो जब ये कॉइल मूव करेगी तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब लेकिन जब मैं इसको एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ूंगा, मैंने पहले भी बताया था आपको, तो ये कॉइल ए बी सी डी इस तरह से, राइट। सो जब ये इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंगली मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो करंट आपका ऐसे को फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि मेरा डीसी है, मैं चाहता हूं कि मेरा करंट नेगेटिव डायरेक्शन में ना जाए, लेकिन क्या होगा जब ये मेरा ए बी यहां पहुंच जाएगी, तो मेरा ए बी में जो करंट ऊपर को जा रहा था, तो यहां अगर ए बी पहुंचती है तो इसका करंट ऊपर को ही रहना चाहिए यहां पे, लेकिन क्या हो रहा है कम्यूटेटर की वजह से यहां करंट जो है रिवर्स आ जाएगा। तो जब ए बी यहां पहुंच जाएगा तो उसका करंट जो है कम्यूटेटर, क्योंकि ये वाला कम्यूटेटर यहां पहुंच जाएगा, ये वाला कम्यूटेटर यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जब ए बी यहां पहुंचेगा कम्यूटेटर, राइट, सो क्योंकि अब ए बी एस साउथ के अंडर थी, तो अगेन इसमें जो है करंट यहाँ रिवर्स हो जाएगा। अब कम्यूटेटर के अकॉर्डिंगली करंट की डायरेक्शन जो होगी वो सेम रह जाएगी। सो आपको जनरेटर के केस में कम्यूटेटर क्या कर रहा है, कम्यूटेटर इज गिविंग डीसी आउटपुट, क्योंकि जनरेशन जो है, हमने पहले भी आपको बताया था कि जनरेशन हमेशा एसी होती है, क्योंकि इस कॉइल ने जब चार चक्कर लगाने हैं, ठीक है, तो इसकी जो जनरेशन होगी दैट विल बी लाइक दिस। लेकिन हमें वी डोंट नीड दिस पार्ट, सो हमें ये पार्ट ऊपर चाहिए, तो इस तरह से करने के लिए हमें, सो बेसिकली ये एक तरह से मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह भी काम कर रहा है, और एक तरह से ये उसकी ये एसी को डीसी में भी कन्वर्ट कर रहा है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ अ कम्यूटेटर। आई एम श्योर कि आपको कम्यूटेटर यहाँ से डायग्राम से समझ में आ गया होगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।